वसई से एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। लिविंग रिलेशनशिप में रह रही एक युवती की बेरहमी से हत्या कर दी गई। युवती की हत्या कर शव को वापी नदी में फेंक दिया गया था। घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली तो पुलिस ने जांच करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आगे मिली जानकारी के मुताबिक आरोपी वसई का रहने वाला है और शादीशुदा है। वो फिल्म इंडस्ट्रीज में कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पर काम करता है। मृतक लड़की यहीं पर मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। वह सनटेक सिटी की रहने वाली थी। मृतक 28 वर्षीय युवती और आरोपी का पिछले 5 साल से अफेयर चल रहा था। वे लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे थे। कुछ दिन बाद युवक की पत्नी को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। जब उसकी पत्नी को पता चला तो युवक ने पीड़िता से दूर रहने का फैसला किया, लेकिन युवती उसका साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। आखिरकार पति पत्नी ने फैसला कर लिया और युवती को मारने की साजिश रची। दोनों ने मिलकर युवती की हत्या कर दी। साथ ही उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने उसके शव को एक सूटकेस में भरकर वापी में फेंक दिया। मृतक लड़की की बहन को युवक के साथ उसके रिश्ते के बारे में पता था। काफी देर तक अपनी बहन से संपर्क न होने पर वह पुलिस के पास भागी। साथ ही दोनों पति पत्नी के खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की जाँच की तो युवती का शव मिला। पुलिस ने पति पत्नी को धारा 302 के तहत हिरासत में ले लिया है। आपका और क्या कुछ घटनाक्रम हुआ है आपके साथ? मेरा नाम जया है और मेरी बहन छोटी मुझसे वो मिसिंग थी, तो मैं मतलब बाहर गई थी शूटिंग के लिए खंडाला में। तो जब मुझे किसी का फोन आया कि तुम्हारी बहन का फोन नहीं लग रहा, उसको शूटिंग जाना आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो उसका फोन नहीं लग रहा है, तो कैसे भी करके तुम मुझे कॉन्टेक्ट करा। तो मैं 12 तारीख को रिटर्न आई। आने के बाद घर पे चेक किया तो नहीं थी, और घर पे किसी को भेजा था भी नहीं थी, तो हमें लगा कि कहीं गई है। फिर मैं उसके घर से अपने घर गई, फिर सब लोगों को पूछा कि किधर है, कैसा है, जो दोस्त यार जो भी उसके कांटेक्ट में थे, तो मैंने पूछ के सबको देखा। फिर मैंने 14 तारीख को यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट किया। पुलिस कंप्लेंट करने के बाद मिसिंग कंप्लेंट होता है तो लोग सोचते हैं या भाग गई होगा या जो भी है। तो मैंने फिर लोगों से पूछा, छानबीन किया, तो मुझे शक हुआ कि जो बहुत पहले उसके ऊपर मतलब उसको यहाँ तुंगारेश्वर मंदिर के पास लेके गए थे, उसको उसकी बीबी और वो उसका एक छोटा बच्चा जो मनोहर शुक्ला नाम है, वो उसके साथ फिल्म इंडस्ट्री में भी वो भी काम करता था, तो उसको घिसाड़ के, और ये बात है 2019 की, घिसाड़ के और उसको बाइक मतलब बाइक से उधर फेंक दिया था, तो उसके ऊपर मतलब केस हुआ था। तो कहीं ना कहीं मुझे उसके ऊपर शक था, तो मैंने पुलिस को बोला कि आप उसके ऊपर भी नज़र रखो और उसको उसका बैंक का डिटेल देखो क्या है कैसा नहीं है। और वो मेरी बहन को डरा धमकाता था कि शायद केस रिटर्न ले ले या फिर मतलब कुछ तो बात था। तो मैं उसके पास जाके मेरी बहन के यहाँ जो सनटेक्स है सनटेक्स में जाके मैं उसके पास थी जुलाई में, पर कुछ कारण के वजह से मैं अपने घर गई थी, उसके साथ नहीं थी। तो आज पता चला, आज 11 सितंबर में आज पुलिस ने पता चलाया कि वो नहीं रही है। उसको 2023 में 9 तारीख को उसने घर के अंदर मर्डर कर दिया है। नौ अगस्त को और वो सीसी कैमरा में खुद जाके चेक की हूँ, और सीसी कैमरे का फुटेज है, क्योंकि वो सुबह आया, दोनों साथ में गए, और फिर रिटर्न आया वो अकेला एक जम्बो ठेली लेके। फिर उसके बाद वो उसकी बीबी और एक छोटा बच्चा जो सीसी कैमरे में आया था वो ट्रॉली बैग लेके जा रहा है, तो उस ट्रॉली बैग में क्या है भर के लेके गया है। तो हमने जो पहली बार इन्होंने आए थे, जैसे आपका आरोप है कि उनको मारा गया, तो मारने के पहले ट्रॉली बैग वहाँ पे पहले लेके गए थे? नहीं, ट्रॉली बैग पहले रखा हुआ था वहाँ पे घर में। ट्रॉली बैग ऑलरेडी घर का ही था, वो मेरी बहन का ही था ट्रॉली बैग, घर में ही था। वो लोग जब घर पे गए थे तो खाली हाथ गए थे, सीसी कैमरा में ये फुटेज है। इन लोग का रिलेशन क्या? ऐसे तो 2019 में जो पहला जो केस हुआ था उसके ऊपर उसको सर पे पत्थर मारा था, रोड पे घिसड़ के लेके गया था, या वो मुझे नहीं मालूम, पर केस पेपर में सारा दर्ज किया गया है। तो 2019 से मैं उसको जानती हूँ, और बस उस ऐसा उसका फोटो देखा था, तो मुझे शक हुआ, तो मैंने पुलिस को बोला कि उसको पकड़ो। तो अब वो नहीं मिलना होता या नहीं मिलता या उसको धमकी देता होगा,
या फिर हार्डेस्टमेंट करता होगा, अब वो तो नहीं है, वो रहती तो हम उससे पूछ लेते। आपको क्या लगता है उस मर्डर में कौन कौन शामिल है? उस मर्डर में उसकी बीबी है जो उसका नाम है पूर्णिमा शुक्ला, और वो और उसका शायद भाई भी शामिल हो सकता है। अभी आप क्या चाहती हैं? मेरे को मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मेरे को कोई भी हालत में इंसाफ चाहिए। ये आज मेरी बहन के साथ हुआ, कल आपकी बेटी के साथ हो सकता है। हर घर में ही बेटी है, ऐसा किसी के घर पे बेटी नहीं है। तो मुझे मेरी बहन के लिए इंसाफ चाहिए, और मैं यही सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे मेरी बहन के लिए वो चाहिए कि दोबारा ऐसा कोई नहीं करे। वो आप लोग के ऊपर मैंने छोड़ा, आप लोग मुझे कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मदद करते हो, आप अपनी बहन बेटी समझ के मुझे इंसाफ दिला सकते हो, और बाकी आप ही मेरे लिए अभी माई बाप।